सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड खुदा का धन्यवाद होकर अफसर के लिए जो उसने मुझे दिया जब मैंने दिल्ली से कानपुर का यहाँ रिजर्वेशन कराया था तभी मैंने प्लान कर लिया था कि मैं ये गवाही ज़रूर अपने भाई बहनों से शेयर करूँगा ये मेरी मिसिस की गवाही है एक्चुअली हमसे अटैच है तो ये मेरे पार्ट का बड़ा इवेंट है लाइफ का आ, हुआ ऐसा दरअसल कि दो तीन महीने पहले मेरी मिसिज ने मुझे रिपोर्ट किया कि उनके जो वेट है वो तेज़ी से लॉस हो रहा है और उन्हें सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया डॉक्टर्स ने एज़ यूजल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया और जब रिपोर्ट्स आई तो सारी अब नॉर्मल थी एस आर वगैरह बढ़ा हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप एक अल्ट्रासाउंड भी कराइए और जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें गोल बेडर में एक पॉलिप आया जो लोग मेडिकल साइंस में हैं वो जानते होंगे कि अगर ये बढ़ जाए तो बाद में जाके सी ए क्रिएट करता है मैं वो डर गया घबरा गया कि क्या करें तो खैर मैंने बड़ी हिम्मत बांध के भाई आशीष को फ़ोन किया उनसे ट्रीटमेंट पूछा और साथ ही साथ मेरे मन में आया क्यों ना दुआ ही दुआ भी करा ली जाए और भाई ने तुरंत मेरे मिसिस के फ़ोन पे दुआ करी मेरे उनके लिए और ये हुआ कि एक महीने बाद फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है अगर कुछ बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम है एनी हाउ एक महीने बाद वारंगल में मीटिंग थी अक्टूबर में और मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले अल्ट्रासाउंड करा लूँ लेकिन मेरी मिसिस ने कहा आप वहाँ हो जाइए तब कराइएगा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर वारंगल में मेरा फिर मन हुआ जब लास्ट मीटिंग को से हम निकल रहे थे कि भाई आशीष से दुआ करा ली जाए वो प्लेटफॉर्म छोड़ रहे थे जल्दी में लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन की दुआ करी लेकिन मुझे मालूम था कुछ होगा ज़रूर और ऐसा लग रहा था मैं बताऊँ आपको कि मेरे हमसे ज़्यादा मेरे मिसिस के फेत था और जब मैं वापस वहाँ पहुँचा कानपुर तो मैंने अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया मैं उनके साथ नहीं था उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि अल्ट्रासाउंड हो चुका है अब पोलिट जैसी कोई चीज़ डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रही तो मुझे इस इसीलिए मैंने सेम लैब में और सेम डॉक्टर से कराया था ताकि कोई वेरिएशन ना आए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मैंने कहा फिर एक बार कराओ तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या थी तो उन्होंने बताया कि मेरे गोल बैठक में कुछ पॉलिप जैसा नज़र आ रहा है तो उसने कहा कि मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन अब पोलिप जैसी कोई चीज़ नहीं मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा हमारा आज भी आश्चर्यकर्म करता है इसलिए मुझसे रहा नहीं गया मैंने परमिशन ली कि इस जरूर भाई को अपने ज़रूर भाई बहनों से शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई आशीष जैसी गिफ्ट उन्होंने हमारे बीच में रखी है खुदा के नाम की महिमा स्तुति और तारीफ है और जैसी